ये खुद वित्त मंत्री रहे हैं और उस समय वित्त मंत्री रहे हैं जब ये जीएसटी ना लागू कर पाए और ना ही उसके बाद जब लागू हुआ तो उसका श्रेय भी ले पाए। तो असलियत में जो कहानी है वो राजनीतिक कहानी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया है और हमारे वित्त मंत्री जी ने पहले ही ये बात कह दी है कि अगली बैठक के अंदर जीएसटी की जो काउंसिल मीटिंग है उसमें पेट्रोल और डीजल को लेकर भी बात होने वाली है। जीएसटी कभी भी लागू होता है तो उसमें केवल केंद्र सरकार ही नहीं काम करती, सारे जितने फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं हर राज्य के वो उसके हिस्सेदार होते हैं और वो काउंसिल इकट्ठे होकर ये फैसला लेती है। आज तक अगर पेट्रोल और डीजल इसके बाहर रहा तो राज्यों की सहमति नहीं हो रही थी, उस कारण से बाहर रहा और उस पर आने वाले समय में फैसला लिया जा रहा है। साथ ही मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ कि 80% से अधिक वस्तुएं 5% और 0% के जीएसटी के दायरे में है। शायद कांग्रेस पार्टी को ये दिखाई नहीं देता क्योंकि उन्होंने तो सरकार ही ऐसी ध्वस्त बना रखी थी जिसमें टैक्स के अंदर चोरी होती थी और लगातार चोरी के ऊपर चोरी होती रहती थी और जिसका नुकसान खामियाजा जो है वो आम नागरिक को भरना पड़ता था। अधिक दरों पर चीज़ें खरीदते हुए हमें पता ही नहीं था कि हम किसी भी वस्तु के अंदर 45% तक कर की मात्रा होती थी। व्यवस्था के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और आज से नहीं हो रहा, जब केंद्र में भी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी तब से, क्योंकि सब किस्म की अनियमितताएं चल रही हैं और 100 गज 150 गज 250 गज के छोटे छोटे प्लॉट्स हैं जो 2-2, 3-3 मंजिल अब बन चुके हैं। एफएआर बढ़ाया नहीं है उनका, जो कानून अनुसार उनके दो रूट्स होने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई छोटी जगह है तो आउटग्रेस और इनग्रेस और किस तरीके के काम वहाँ पर किए जा सकते हैं वो होना चाहिए, और जितनी इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी सारी के सारी पॉलिसी जो है वो DSIDC के माध्यम से होती है, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और सारा पैसा मुआवजा सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। और DSIDC कहती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तो उनको तो हुक्म बजाना पड़ता है कि अगर आपको कहा कि आपको सील करना है तो ऑर्डर सारे DSIDC और अन्य जगहों से आते हैं, पोल्यूशन से लेकर सब कुछ। तो मैं कहूँगी कि दिल्ली सरकार के जो हिस्से का काम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेक करने का वो इन्होंने नहीं की है, बल्कि एक और नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना था वो भी नहीं हुआ है, और लगातार जो पुरानी सरकारों का खामियाजा है वो अभी तक चला आ रहा है और अभी वाली सरकार ने आने के 3 साल बाद तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये लोग असलियत में दिल्ली से तो है नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं है दिल्ली के बारे में, ना कानून के बारे में और ना पढ़ाई लिखने पढ़ने लिखने का शौक है, जिसके कारण इस तरीके की समस्याएं लगातार आती हैं। मैम, दिल्ली देश की राजधानी है, इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली के अन्य हिस्सों में इलीगल ऑफिसें चल रही हैं, कई गोदाम चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां पे किसी तरह कोई नियम रेगुलेशन नहीं है, लेबरों के साथ ठीक से उनका जो एक मापदंड होना चाहिए वो भी नहीं है, इस तरह की बहुत सारी कमियां दिल्ली में हैं। देखिए, यही गवर्नेंस डेफिसिट इसी को कहते हैं ना, कि एक तरफ तो कुछ लोगों के परिवार के लोग मारे गए, इकलौता आप कमाने वाला तो उन परिवारों के साथ तो आपकी संवेदना रहेगी ही, क्योंकि रोटी रोजी तो सबको चाहिए। जो आदमी घर से रोटी रोजी के लिए निकलता है वो फैक्ट्री में जाते हुए उसके 2 दरवाजे या 1 दरवाजा ये जानने का हक उसका नहीं है, वो केवल वहाँ जाके काम करने जाता है और उसके साथ ऐसा हादसा होता है, वो जानने का हक किसका है? वो जानने का हक जो है वो जाहिर तौर पे सरकारी लोगों का है जिनको इन चीज़ों को इंसिस्ट करना है कि भाई अगर छोटी जगह ज़्यादा लोग बैठे तो आप 2 दरवाजे बनाइए, जगह छोड़िए। सेट ऑफ छोड़ने का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इसीलिए छोड़ा जाता है कि अंदर बाहर आने जाने का रास्ता मिले। तो ये हादसों के अंदर जो गवर्नेंस है वो गवर्नेंस डेफिसिट के सरकारें ही गलत चलती रही है। अब सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि आज जो मॉनिटरिंग कमेटी दिल्ली में कर रही है तो ये तो सब ऑथराइज्ड कानून के मुताबिक कमर्शियल एरियाज हैं, जो दिल्ली के रिहायशी एरियाज के अंदर जिन्होंने उनको कमर्शियल कर दिया और जितने लोग सरकारी ऑक्यूपाइड जमीन के ऊपर जबरन बैठे हुए वो लोग, उन लोगों का क्या, आपकी क्या प्लानिंग क्या है, आप सोच क्या रहे हैं? एयरपोर्ट के पास 4-4 मंजिल क्या मकान दुकान बन सकता है? पर बना हुआ है, जहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है वहाँ पे आपने मेन रोड्स के ऊपर आपने कमर्शियल डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये अव्यवस्था का कारण बहुत पुराना पॉलिसी पैरालिसिस जिसका भुगतान दिल्ली कर रही है, और मैं तो कहती हूँ ये पापों का ही फल है, दिल्ली के पापों का फल दिल्ली के सामने आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर गलतियां होती रही और गलतियों को ही बढ़ावा देता दिया गया।
और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लांट सिटी को प्लांट तरीके से चलना चाहिए, चीज़ें अनियमितताओं को तभी कंट्रोल किया जाना चाहिए, आपके रेगुलेशंस को सख्ती से कारगुजर होना चाहिए। लेकिन और जब आप लोगों को सही बात समझाते हो उनको तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब उनको पहले गलती करने का मौका दे दो, वो बेचारे पैसे खर्च कर दे, उसके बाद आप तोड़ने पहुंच जाओ तो गलती है। मैं ये जिस तरह की ये दिल्ली में कारखाने चल रहे हैं, इनके लाइसेंसिंग में क्या एमसीडी का भी कोई रोल होता है? एमसीडी का लाइसेंसिंग में रोल नहीं होता, लेकिन सीलिंग वीलिंग में एमसीडी का रोल होता है। और वो रोल ये होता है जब दिल्ली सरकार कहती है कि आप इनका पोल्यूशन, क्योंकि क्या DSIDC के नीचे एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट कहता है कि ये फैक्ट्री पोल्यूट कर रही है, तो MCD सील करेगी। जल बोर्ड, वो भी दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, वो पानी काटेगा। और जो बिजली, जो भी सप्लायर है BSES या जो भी है, उसको बिजली काटनी होगी और वो DSIDC ही करवाती है। तो ये रोल है, आप तो MCD अपने आप से कोई एजेंसी नहीं है, खाली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होने के कारण जो है ये सब होता है। कोई प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ तो सब जगह के लोग यहाँ आके बस रहे हैं, जहाँ उनके इलाकों में जब उनको रोटी रोजी नहीं मिलती है तो वो सब पाने के लिए वो दिल्ली आ जाते हैं। तो अव्यवस्थित दिल्ली हो रही है, कितनी जनसंख्या है, कितनी सुविधा है, कितना पानी है, सारी सरकारी ज़मीनें जो बाकी फैसिलिटीज के लिए अक्वायर की गई थी, उनके ऊपर तो सारी लीगल दिल्ली बैठी हुई है, उनके खिलाफ तो कुछ हो नहीं रहा। जो लीगली बैठे हुए लोग हैं, जो टैक्स पे करते हैं, वहाँ पे आप जाके उनकी दुकानें सील कर देते हैं, तो ये भी नहीं चल सकता। आपको पॉलिसी बैलेंस तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिल्ली टैक्स पेयर्स के पैसे पे चल रही है, और उनको आप सुविधा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? वही दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे और दिल्ली का वही हाल होगा जो कलकत्ता का हुआ पड़ा है। तो जहाँ तक इलीगल की बात है, इससे पूर्व के अंदर 28 ऐसे क्लस्टर्स दिल्ली ने नियमित किए थे, जिनको इंडस्ट्रियल, जहाँ पे इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो उनके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए थी। तब से लेकर अभी तक ना उस पर कोई पॉलिसी बनी है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है, और जिसके कारण दिल्ली जो है मोहताज की तरीके से घूम रही है। जो लोग अभी सत्ता में हैं, मेरे को नहीं समझ आता कि उनको शासन या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी भी है, या कैसे फाइल उठा के कौन सी फाइल निकालनी है, कैसे पॉलिसी बननी है। उसी का कारण है कि दिल्ली लगातार उनके दबाव में दब रही है, और जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके का हादसा बवाना में हुआ, वो ऐसा कहीं भी हो सकता है, और उसका कारण ये है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो 100 गज, 150 गज, 250 गज के छोटे छोटे प्लॉट्स दिए गए थे 93 या 96 के आसपास। उसके बाद उन प्लॉट्स को उनका FAR तो नहीं बढ़ा, लेकिन सबने दो दो तीन तीन मंजिल बना लिया। अब उसमें एंट्री एग्जिट अलग होनी चाहिए। मान लीजिए 20 लोगों का काम होना था, अब वहाँ पे 50 लोग, 500 लोग काम कर रहे हैं, अब तो कोई पॉलिसीज इस पे निर्णायक भूमिका अदा करेगी, और कौन करेगा? क्योंकि ये सारा इलाका DSIDC के तहत आता है, DSIDC के तहत आता है, तो DSIDC ही उसका क्रियान्वयन भी करेगी। तो DSIDC क्रियान्वयन नहीं करेगी, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में रोल है। जब DSIDC के यहाँ से कुछ भी गड़बड़ होती है, और वो कहते हैं जैसे मॉनिटरिंग कमेटी कि आपको ये इलाका सील करना है, तो MCD को सील करना होगा, लेकिन उसका लाइसेंस का अधिकार, सर्वेक्षण का अधिकार, ये सब अधिकार तो दिल्ली सरकार के पास है, और उसी के तहत वो पोल्यूशन का चालान काटते हैं, या पोल्यूशन के नाम पे सीलिंग ऑर्डर करते हैं, या उसी के आधार पे बिजली कटती है, पानी कटता है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो पेमेंट, नॉन पेमेंट, टैक्सेशन, नॉन टैक्सेशन, इलाके का डिवेलपमेंट, वो सब DSIDC का अधिकार है, जिसमें किसी और का कुछ करने के लिए है नहीं। वो बाकी को जो आदेश करेंगे उनको वो आदेश का पालन करना है। तो कहीं कहीं मैम, इस घटना के बाद अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चालू है, क्योंकि सरकार कहेगी कि इसमें MCD और केंद्र सरकार का रोल है, और MCD कहेगी दिल्ली सरकार का रोल है। MCD या केंद्र सरकार को तो बीच में घसीट ही नहीं सकते, मतलब ये तो मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ कि उनका तरीका अपने लिए रास्ता निकालने का कुछ और हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार या MCD को नहीं घसीट सकते, क्योंकि सर्वेक्षण का अधिकार आपके पास है।
और इंडस्ट्री एजेंसी भी आपकी है, सर्वेइंग एजेंसी से लेके सारी एजेंसी, सारे अधिकार आपके पास है, तो जिम्मेवारी भी आप ही की बनती है। मैम, आप ही चिदम्बरम ने सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए फिर से एक बार कहा है कि कंज्यूमर को फायदा पहुंचाना चाहिए, अब डीजल पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, कई तमाम प्रकार के और ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह सरकार और फैक्ट्रियों को फायदा दे रही है। आई विश विजडम प्रिवेल्ड ऑन हिम व्हाइल ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ही हैड डन समथिंग ऑफ टैक्सेशन सॉल्यूशंस एट दैट पॉइंट इन टाइम। द फैक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज वर्किंग टू रिड्यूस टैक्सेस एंड 80% of the goods are below in the category of 0 to 5% taxation range, which actually reduces the tax burden on the consumer, because earlier we were paying up to 45% tax in the which was added to the cost, and we didn't even know that we were paying that kind of tax. Today at least we know how much tax we are paying, and 5% is one of them. So far as taxation of petroleum products and other such products is concerned, the decision has to be made by the GST Council. Our finance minister has already made a statement to this effect that in the next council meeting, the decision will be marked on the petroleum products, petroleum and diesel. And I think he just wants to take credit that if decision happens that he got it done. Whereas the fact is, central government has repeatedly asking state governments to give their views to bring petroleum products under GST. And earlier state governments had their own resistance to that fact, for the simple reason that VAT etc. are the charges which are put on the petroleum products by the state governments, and they do not want to let go of that revenue. And it is for this reason that it was kept out of the GST, on which the central government is likely to take a decision very shortly.